नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं राजन सिंह। आज हम बाबू सिंह केड़ी में स्टेडियम पहुंचे हैं, जहां पर हम बात करेंगे, देवेंद्र प्रताप जी हैं और क्रिकेट से और जो स्पोर्ट्स है उससे काफ़ी इनका बड़ा रिश्ता है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ वर्ल्ड कप है, आने वाला है समय, और उस वर्ल्ड कप का कितना लोगों के अंदर जो बेसब्री से इंतजार है उसकी हम यहाँ पर हम आपसे थोड़ा चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे लोगों में कितना उत्साह है, क्या कहेंगे। क्या आपका नाम है? सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजन भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे बहुत पुराना रिश्ता है और खेल से भी, जैसे आपने बताया, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, खासकर क्रिकेट से। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो अपने क्रिकेट टीम का कैप्टन हुआ करता था, वही पैशन बराबर लगातार जारी रहा। और इस जहाँ पे आज बैठ करके आप हमारा साक्षात्कार इंटरव्यू ले रहे हैं, इस स्टेडियम जो लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना स्टेडियम है, आप लोगों ने खूब खेला है, इसमें खूब खेला है, खूब खेल आयोजन भी किया है। और आज जिस विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं, आज हर हिंदुस्तानी के जुबान पे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है, जिसकी मेजबानी हमारा हिंदुस्तान कर रहा है। और अभी कल ही सेमीफाइनल ख़त्म हुआ है, जिसमें परसों पहला सेमीफाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ, जिसमें शानदार जीत दर्ज किया हिंदुस्तान ने, हमारी टीम ने, इंडियन टीम ने। अच्छा, क्या लगता था शुरू में कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच पाएगी, सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी? क्या लगता था, पहले से कुछ उम्मीद थी? नहीं नहीं, निश्चित तौर पर उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से बीच में तो एक बार लग रहा था कि अटक जाएगा मैच। जब इसके पहले जो वर्ल्ड कप के बाद जो मैच हुआ उसमें निश्चित तौर पर थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन इंडियन टीम की थी, जो जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने और हमारे मैनेजमेंट ने, खासकर रोहित शर्मा जी की कप्तानी में, हमारे प्लेयर्स ने जबरदस्त तरीके से अपने फिटनेस पे, अपने खेल पे ध्यान दिया और उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना पसीना बहा करके अपने को चुस्त दुरुस्त किया। और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में होने का, अपने घरेलू स्टेडियम पे घर में खेल का, निश्चित तौर पे उसको हिंदुस्तान का खास तौर से ये देखा जा रहा है कि बैट्समैन तो फॉर्म में है ही, बॉलर भी फॉर्म में है, तो भारत और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेगी मैच पर, और कौन जीतता है ये बड़ी बात रहेगी। क्या लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिससे सामना हो रहा है वो भी कोई आम प्लेयर नहीं है और 5 बार वो वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुके हैं, और इस बार जिस तरह से फाइनल में देखा जा रहा है कांटे की टक्कर होगी, क्या उम्मीद लग रहा है? निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसे कंगारू कहते हैं, बहुत ही मजबूत टीम है, निश्चित तौर पर जो मानसिक रूप से वो बहुत मजबूत है। तो इसी चुनाव में, इसी लीग मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अभी बुरी तरह हराया है, तो जो इस समय जो स्थिति है, परिस्थिति है इंडिया की, जो हमारी टीम का जो हौसला है, जो जज्बा है, जो जुनून है, जो जोश है, वो सातवें आसमान है। और पूरी उम्मीद है हमें, 100% मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं ज्योतिष में भी थोड़ा विश्वास रखता हूँ, तो पूरा उम्मीद है जो सारे ग्रह नक्षत्र, जो भी भौगोलिक स्थिति है, वो सब इंडिया की टीम के पक्ष में है, और कोई ऐसा कारण नहीं बनता है कि इंडिया की टीम फाइनल नहीं जीतेगा। हम तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, खेल बहुत शानदार तरीके से होगा, और सभी देशवासी पूरे अपने प्लेयर्स का पूरे जोश और खरोश के साथ, उनको जो है उनके हौसला बुलंद करने के लिए, चाहे वो मोंटेरा स्टेडियम में विराजमान हो या पूरे देश के कोने कोने में, अपने घरों में, अपने टीवी स्क्रीन के सामने हो, हर हिंदुस्तानी का जो है एक ही सपना रहेगा कि हिंदुस्तान जीते। और जहाँ पे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों का, क्रिकेट प्रेमियों का दुआएं साथ हों, तो हमें नहीं लगता किसी तरीके से इंडिया की टीम को कोई जोखिम है, निश्चित तौर पर इंडिया की टीम जीतेगी। और मैं तो अभी से आपको बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत शानदार, जानदार, दमदार, धारदार तरीके से हमारी टीम फाइनल इस बार जीतेगी। ये जीत तो चलिए श्रेय अपने इंडिया के निश्चित तौर पे देखा ही जाएगा, लेकिन क्या लगता है, आप देखिए आप नेता भी हैं, और क्या लगता है जीत के बाद कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी शुरू होगी क्या?
देखिए, राजनीतिक हर आदमी का काम अपना अपना बटा होता है। जैसे आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने वाले पत्रकार, आपका काम है कि हर जगह से न्यूज को खोजना। नेता का काम है हर जगह से राजनीति को खोजना। मगर हमें लगता है कि कोई आदमी इतने जो है नीचे तक उतर आएगा राजनीतिक व्यक्ति, जो कि इसमें अपनी राजनीति खोजेगा। ये देश है, ये सभी का है, सभी राजनीतिक दल के लोग, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा। हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में बहुत माहिर हैं कि हर चीज का जो है श्रेय अपने नाम कर लेना चाहते हैं। करें, उनका उसका जनता जवाब देगी। 2000 इसके बाद में जो फाइनल मैच के बाद में, फिर हम पूरा देश जो है, सारी राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट जाएंगी। और हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हमारे अजय राय जी ने, हम सब लोगों ने सेमीफाइनल जीतने पे, आप चेक कर लीजिए, जितने भी ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया है, जबरदस्त तरीके से बधाई दे रहे हैं। और हम लोग एक तरीके से जो है अभी अपने सारे कार्यकर्ताओं को, सारे कार्यकर्ताओं के कह दिया है कि इंडिया की टीम को बकअप कीजिए, और हम लोग सब बकअप कर रहे हैं। और इसमें कोई श्रेय लेने की कोई बात नहीं है, देश की टीम है। बिल्कुल सही बात है, देखिए श्रेय लेना भी नहीं चाहिए। और मैं दिखाऊंगा कि यहाँ स्टेडियम है, बाबू सिंह केडियम स्टेडियम है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आए हुए थे खेलने, और चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, या किसी भी कैटेगरी के लोग हों, वो सभी इंटरेस्ट रख रहे हैं कि इस समय क्रिकेट का जो मैच होने जा रहा है 19 तारीख को, वो काफी रोमांचक मैच होगा, और काफी दुनिया की जो निगाहें हैं कहीं ना कहीं टिकी रहेगी। मैम क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप इस बार जो है किस तरह से देख रही हैं आप? इस बार जैसा वर्ल्ड कप तो हुआ ही नहीं, इंडिया के लिए तो बिल्कुल चांदी चांदी है कि इसने सारे मैचेस जीते हैं, एक भी पॉइंट नहीं गंवाया। ऐसा तो कोई वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं कि जिसमें कोई टीम, जिसने कोई मैच हारा ही नहीं हो, हम लोगों ने जहां तक मैचेस देखे हैं। बिल्कुल, काफी बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। बिल्कुल, ये तो मैंने कार्यक्रम हमारा जो था ये 17, 18, 19 था, लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल की वजह से हमने 19 वाला प्रोग्राम अपना पोस्टपोन किया है कि हम आगे चल के उसको करेंगे, और 19 का हमने इसी वजह से इसको यहाँ कार्यक्रम को खत्म किया कि हम 18 को वाइंड अप करेंगे और 19 को पूरी तरीके से इंडिया को जिताने के लिए टीवी के सामने बैठेंगे। क्या बात है, क्या कहेंगी मैम, इस बार कितना इंटरेस्ट आने वाला है, इंडिया के मैच उस दिन देखेंगी आप? बिल्कुल देखेंगे, और बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट होने वाला है, और इंडिया जीत कर ही रहेगी, ये मेरी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं हैं टीम के साथ, टीम के लिए। बिल्कुल, तो देखिए हमारे जो दर्शक हैं, चाहे इंडिया के जो प्लेयर हैं, उन तक भी ये हमारी खबर पहुंचे। और देखिए आप लोगों, इंडियन टीम को अभी से लोग बधाई दे रहे हैं, और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि एक शानदार जीत हासिल करेंगे, और भारत के लिए फिर से एक ताज जिस तरह से वर्ल्ड कप का अपने सर पे लहराने वाले हैं, अपने सर पे रखने वाले हैं, वो पल जो है लोगों के अंदर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर में वो पल कब आएगा, और इस बार की जो श्रेय जिस तरह से इंडिया भारत मैच जीत के लेने वाली है, वो बेसब्री से इंतजार रहेगा, पूरी देश और दुनिया की निगाहें उस दिन टिकी रहेगी। हालांकि मैच जो है देखा जाएगा काफी रोमांचक और कांटे की टक्कर की मैच होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि जिस तरह से भारत फॉर्म में चल रहा है, और निश्चित तौर से देखा जाएगा कि उस दिन भारत की जीत होगी, और अभी से लोग इंडिया टीम को और चारों तरफ से जो है भारत के लोग जो है बधाई देना शुरू कर दिए हैं। इससे जो अपने इंडियन टीम है उनका हौसला जो है वो काफ़ी मजबूत हो सके, और ऐसे में देखने वाली बात भी रहेगी कि 19 तारीख को किस तरह से मैच होगा, उसके लिए सभी लोग अपने जो है नज़रें टीवी पर गड़ाए रहेंगे कि कौन किस तरह से खेल रहा है और किस तरह से ये जीत हासिल हो रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन उनके साथ राजन सिंह, वी न्यूज के लिए। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।